Good morning, dear students. My name is Mohit Saxena and the subject is Computer for 8th class. Chapter 4 is going on and the title of Chapter 4 is Working with Tables. Today, in this video, I will explain these 5 topics. The first topic is adding records. In this topic, I will explain that how can you add a record and how can you save a record. The next topic is editing a record in a table. Next, adding fields, next deleting a field, and next moving a field. So these topics I will discuss in this video. So let's start. Okay, so my topic is adding records, and the first point in adding record is that how can you add a new record. Okay, so here is a table. In this table there is total 5 fields, 1, 2, 3, 4, 5, and there is 5 rows, 1, 2, 3, 4, 5. And if I want to add a 6th row here, 6th record here, then you should go just in Home tab and in the Records group and click on New. So, जैसे आप यहाँ पर New पर क्लिक करेंगे, तो जो आपका Control है, वो आपकी Table में सबसे Last में आ जाएगा. अभी तो Suppose करिए यहाँ पर 5 आपको Points दिए हुए हैं, 5 Records दिए हुए हैं. लेकिन सपोज करिए कि यहाँ पर अगर 500 रिकॉर्ड्स आपके सामने होते तो आप क्या यहाँ से स्क्रॉल करते वहां तक जाने के लिए, या फिर आपको 1 by 1 जाना होता इस तरह से नीचे, आप डाउन एरो की हेल्प से 500 पॉइंट्स तक जाते. लेकिन इन सब चीजों से बचने के लिए आपके सामने यहाँ पर न्यू ऑप्शन दिया हुआ है. जैसे आप क्लिक करेंगे, आप कहीं पर भी हो अपनी टेबल के अंदर, आप जैसे न्यू पर क्लिक करेंगे आपका कंट्रोल सीधे आपकी टेबल के सबसे लास्ट में आ जाएगा और यहां पर आप लोग न्यू रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं. तो फर्स्ट वे तो है आपका ये जो मैंने अभी बताया आपको कि इस तरह से आप लोग रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं. इसी वर्क को आप सेकंड ऑप्शन से कर सकते हैं. यहां पर आपको दिए हुए हैं लास्ट में, जैसे आप यहां पर आएंगे और थोड़ी देर माउस को होल्ड करेंगे यहां पर, तो आपको न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड दिखाई देगा. आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी वही वर्क होगा जो आपको वहां से हुआ था. जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर तो आपका जो सारा कंट्रोल है यहां पर आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा. और थर्ड ऑप्शन है आपका कि आप मैन्युअली 1 by 1 डाउन एरो की हेल्प से जाएं और नीचे जाकर यहां पर डेटा को एंटर कर दें. 3 वे हैं जिनसे आप न्यू रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं. फर्स्ट वे है होम टैब में आकर रिकॉर्ड्स ग्रुप में आपको आना है और यहां से आपको न्यू पर क्लिक करना है. जो कंट्रोल आपका कहीं पर भी टेबल में है वो डायरेक्ट लास्ट में आ जाएगा और आप डेटा एंटर कर सकते हैं. सेकंड वे हो गया आपका कि आपका कंट्रोल कहीं पर भी है, आप यहां पर आकर एंटर करेंगे तो नया आपके सामने जो कंट्रोल है वो आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा. और थर्ड है कि आप मैनुअली वहां तक आ जाए और वहां पर आकर डेटा को एंटर करें. तो ये थे 3 वेज डेटा को, सॉरी रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए. अब इसमें कुछ हम लोग ऐड कर लेते हैं. यहां पर न्यू आ रहा है, रोल नंबर एक्चुअली ऑटो नंबर है, तो रोल नंबर को तो हम यहां पर नहीं ऐड करेंगे, लेकिन नेम से स्टार्ट करते हैं. यू तक हो चुका है तो हम लोग एफ से स्टार्ट करेंगे. कुछ मार्क्स यहां पर ऐड कर देते हैं और ऑटोमेटिक उनका टोटल यहां पर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ था. अब ये हमारे सामने रिकॉर्ड एंटर हमने कर दिया है. रिकॉर्ड को सेव करने का सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पर होम टैब में आएंगे रिकॉर्ड्स ग्रुप में और आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिकॉर्ड है वो एंटर हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन ए टेबल. सो एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन ए टेबल का मीनिंग ये होता है कि सपोज आपने कोई टेबल बना लिया, अब उस टेबल को बनाने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, ये डेटा मैंने इसमें गलत एंटर कर दिया है, इसकी जगह पर कुछ और मुझे एंटर करना था. तो इस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं एडिटिंग रिकॉर्ड का. आप रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका क्या है कि आप सिंपली उस सेल पर जाएं जहां पर आपको एडिट करना है. ये आप जो आपके एरोज होते हैं, 4 एरो होते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो आप उनके हेल्प से नेविगेट करते हुए वहां तक जा सकते हैं. और एक बार जब आप पहुंच जाएंगे अपने उस फील्ड पर, अपने उस सेल पर सॉरी,
वहां पर जाकर जस्ट आपको एक जो न्यू आपने सोचा हुआ है आपको वो टाइप करना है, तो और उसके बाद बस आप एंटर कर दीजिए, तो आपका जो डेटा है वो एडिट हो जाएगा, जो आपका रिकॉर्ड है वो एडिट हो जाएगा। इसका सेकंड तरीका ये होता है कि आप जो आपके ये फोर एरो कीज होते हैं इनका आप मतलब हेल्प मत लीजिए इनकी, और डायरेक्टली आप क्या करेंगे कि जिस सेल को एडिट करना है आप सीधे माउस को ले जाकर उस सेल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो सेल एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ये जो आपका लिखा हुआ है पहले से उसको आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद अब ये डिलीट होगा आपका बैक स्पेस की से या फिर डिलीट की से, इन दोनों में से कोई सी की आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको न्यू नंबर्स वहां पर एंटर कर दीजिए। न्यू नंबर एंटर करने के बाद आप लोग एंटर की प्रेस मत कीजिए, बल्कि अपना जो माउस है उस माउस को और किसी सेल पर आप क्लिक कर दीजिए, तो वो आपका जो जो भी आपने चेंजेस करा है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं आपके रिकॉर्ड को एडिट करने के। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग ए फील्ड। तो अगर आपको अपनी टेबल में कोई फील्ड ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे? ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं रोल नंबर, नेम, हिंदी, मैथ्स एंड टोटल, ये सभी फील्ड्स होते हैं। तो अगर कोई और नया फील्ड आपको यहाँ पर ऐड करना है तो उसका तरीका आपके सामने क्या रहेगा कि जिस भी फील्ड, जैसे सपोज करिए रोल नंबर और नेम के बीच में मुझे एक फील्ड ऐड करना है, तो मैं नेम जो है नेम पर राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इंसर्ट फील्ड। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो हेडर है नेम, यहां पर आपको राइट क्लिक करना है तब ये फील्ड आपको दिखाई देगा। अगर सपोज कीजिए कि आप किसी भी सेल पर राइट क्लिक करेंगे तो ये आप ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये जो हेडर है यहां पर आप माउस का राइट क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन इंसर्ट फील्ड। तो जैसे ही आप इंसर्ट फील्ड करेंगे रोल नंबर और नेम के बीच में फील्ड एड हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग फील्ड ऐड कर सकते हैं। फील्ड डिलीट करना ये नेक्स्ट टॉपिक है, डिलीटिंग ए फील्ड। तो अगर आपको फील्ड डिलीट करना है तो वही सेम प्रोसेस है जिस तरह से आपने फील्ड इंसर्ट करा था, वही सेम आपको वे रिपीट करना होगा। राइट क्लिक करेंगे उस फील्ड की हेडर पर और उसके बाद यहां पर आपको दिखाई देगा डिलीट फील्ड। जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पर आपसे पूछेगा कि डिलीट करना है या नहीं करना है। करना है तो यस प्रेस करेंगे, नहीं करना है तो नो प्रेस करेंगे। हमें डिलीट करना है तो मैं यस प्रेस करता हूं, फील्ड डिलीट हो चुका है। इसका एक सेकंड तरीका भी होता है। अगर आपको ये फील्ड डिलीट करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे कि आप फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट मीन अब ये मुझे फील्ड डिलीट करना है तो ये जो इसका फील्ड का हेडर है मैं यहां पर लेफ्ट क्लिक करूंगा, इसके बाद डिलीट की प्रेस करूंगा, ये फील्ड है डिलीट हो जाएगा। तो दो तरीके फील्ड को डिलीट करने के हैं, राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इसके हेडर पर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और डिलीट की प्रेस कर देंगे तो ये फील्ड डिलीट हो जाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग ए फील्ड। अगर आपको अपने किसी भी फील्ड को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर ले जाना है तो आपको करना होगा उस फील्ड को मूव। उस फील्ड को मूव करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उस फील्ड को सेलेक्ट करना है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो नेम फील्ड है वो मैथ्स और टोटल के बीच में आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि नेम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने माउस को यहां पर लेकर जाएंगे। यहां पर ले जाने के बाद जब ये इस तरह की शेप आपके सामने आने लग जाएगी तब आपको माउस का लेफ्ट की प्रेस करना है और उस की को प्रेस रखना है, साथ ही अपनी जो फिंगर है उससे माउस को आपको ड्रैग करते हुए उस लोकेशन को ले जाना है जहां पर आपको ये फील्ड मूव कराना है। जब जहां पर आपको ये फील्ड फाइनली मूव कराना है वहां पर आपको जब ये लाइन दिखने लग जाए, डार्क ब्लैक लाइन दिखने लग जाएगी, तब आपको माउस का लेफ्ट बटन रिलीज कर देना है। अब आपके जो फील्ड है वो प्रॉपरली यहां पर मूव हो जाएगा। सो आई होप आपको ये फील्ड ऐड करना
डिलीट करना और मूव करना भी कंप्लीटली आ चुका है. सो स्टे होम, टेक केयर एंड बाय.